हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर थ्री। ओके, चैप्टर नंबर थ्री में हम फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट किसी कारण से बीच में ही रोकना पड़ा, तो हम फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आइए, इसमें फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमने बताया था कि जब ब्लड क्रांति भी आई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर देखिए कि क्रांति के बाद उन्होंने ड्यूमा में कहा था कि सार ने कि ड्यूमा में बनाने के लिए, तो इलीगल जितनी इलीगल अनऑफिशियली रूप से वर्कर थे, काम कर रहे थे, उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। उसके बाद ड्यूमा विद इन 675% डेन एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के लिए ड्यूमा को 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, और 3 मंथ के अंदर अंदर इसको इलेक्टेड करने के लिए कहा गया, यानी बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, क्या कानून। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी इरेक्शन ऑफ हिज पावर। ही डिड नॉट, वो नहीं चाहते थे कि इन्हीं कोई क्वेश्चन किया जाए या उनके पावर को समाप्त किया जाए, यानी सार। तो सार ने वर्कर्स के लिए ये काम किया था। अब देखिए क्या हुआ कि ही चेंज द वोटिंग लॉज, उन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया, एंड थर्ड डिमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन एंड पैक द थर्ड डिमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ क्या किया, बनाया कानून। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशन वर केप्ट आउट, इसमें लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज क्या थे, केप्ट आउट, यानी अलग रखे गए थे, बाहर रखे गए थे। ठीक है, फिर देखिए, यानी उसने इसमें शामिल किसको किया था, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को। ठीक है, अब थर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर में देखिए, 1914 में वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन संधियों के बीच में हुआ, यानी दो यूरोपियन के रूप में, यानी जर्मनी, एक तरफ जर्मनी थी, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे, और दूसरे इनको सेंट्रल पावर्स कहा गया था, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया थे। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया में। ठीक है, तो रसिया किसके तरफ शामिल था, फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ ना, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक तरफ था। टर्की को आज के समय में तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, हाँ तो बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड द वार वाज, और इस समय युद्ध लड़ा गया यूरोपियन में, जो यूरोप में, दिस वाज द, इसी को फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। ठीक है, रशिया, द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सर निकोलस द्वितीय, और इसमें सर निकोलस द्वितीय था। एज द वार कंटिन्यू, वार बढ़ता गया, दो द वार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन द ड्यूमा, यानी उसने कंसल्ट किया कि कौन, जो ड्यूमा की यानी संसद की मेन पार्टी थी, उसके सपोर्ट सोर दिन, उसके सपोर्ट के लिए एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, एंटी जर्मन यानी जर्मनी के खिलाफ जो लोग थे वो काफ़ी हाई था इस समय, इसलिए इस युद्ध में लड़े गए काफ़ी लोग। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड, पेट्रोग्रेड नाम था, जर्मन नाम एक था जो पेट्रोग्रेड, जिसको कहते थे रीनेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में, द सरीना अलेक्जेंड्राज, ये जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर थी, यानी गरीब एडवाइजर, सलाहकार, एस्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रैस्पुतिन, और इसको मॉन्क कॉल्ड क्या कहा जाता था, रैस्पुतिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, और उस समय ऑटोक्रेसी क्या थी, अनपॉपुलर थी ना। द वर्ल्ड वार वाज एन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट में वर्ल्ड वार था, इन द वेस्ट आर्मी क्या थी, ट्रेंच, ईस्टर्न ये फ्रांस में लड़ रही थी, इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। ठीक है, तो इसमें लड़ रहे थे। अब देखिए, डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, एशिया, रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914। ठीक है, इसको और देखिए, रशियन फिर उसके बाद क्या होता है, रशियन एनी डिस्ट्रॉय आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द आर्मी प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बींग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, एंड रशियन आर्मी ने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया, काफ़ी सैनिक इसमें मारे भी गए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग 3 मिलियन रिफ्यूजी एंड रसिया में कितने मिलियन रिफ्यूजी हो गए, 3 मिलियन। ठीक है,
इस सिचुएशन को डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार, इस सिचुएशन को सार के खिलाफ माना गया है। एंड सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार, सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि वार हो। जबरदस्ती रशिया को इस युद्ध में धकेला गया था, किसके वजह से? सार के वजह से। ठीक है, द वार, फिर देखिए, द वार आल्सो हैड इम्पैक्ट इंडस्ट्री, रशिया की जो ओन इंडस्ट्री थी वो उन्होंने कुछ नंबर इन द कंट्री और कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज ऑफ, मतलब कुछ सामान गुड्स जो थे उसमें रोक दिए गए बाल्टिक सी के द्वारा, कुछ कंपनियों ने रोक दिया इंडस्ट्री इक्विपमेंट। और रशिया में क्या हुआ, स्वेन यूरोप और रशिया में, फिर उसके बाद देखिए 1916 में रेलवे लाइंस बिगिन ब्रेक डाउन, 1916 में जो रेलवे लाइंस थी उसको शुरुआत में ही ब्रेक डाउन कर दिया गया है। एबल बॉडीज मेन वर कॉल्ड अप टू द वार, ये भी वार के एक कारण रहा। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि देयर वर लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्ट में हो गए, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशली वर शट डाउन, छोटे छोटे जो वर्कशॉप थे वो शट डाउन हो गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन, बड़े बड़े सप्लाईज हैं, फीड द आर्मी, ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, क्या हुआ, लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन, ग्रेन की जो अनाजों की ज़्यादातर सप्लाई क्या हुई, किनको भेजी जा रही थी, आर्मी को, फॉर द पीपल इन द सिटीज, और क्या क्या लोगों के लिए सिटीज, सिटी में ब्रेड एंड फ्लोर यानी आटा भेजा जा रहा था। ठीक है, बाय द विंटर 1916 में रैट्स एंड ब्रेड सोप्स और कॉमन, ये सब कॉमन थे। ठीक है, ब्रेड एंड ना, तो आइए, तो सेकंड पार्ट, ये पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट में देंगे। ओके, थैंक यू।